Compare thee to a summer's day. ये इसकी पहली पंक्ति है, तो कई बार टाइटल तो इसका सोनेट 18 ही है, मगर कई बार पहली पंक्ति को ही लोग टाइटल के रूप में यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही सुंदर लाइन है और दूसरी बात दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है. खैर, इसको इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे खूबसूरत कविताओं में से एक माना जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कविता अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट है, एक तारीफ है. तारीफ किसकी हो रही है यहाँ पे ये हमको पता नहीं है, क्योंकि देखो सोनेट 1 से लेकर सोनेट 126 तक शेक्सपियर अपने यंग नौजवान हैंडसम दोस्त को कह रहे होते हैं कि प्रोक्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है, ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करना कितना इंपॉर्टेंट है, और सबके बारे में दोनों वार्तालाप करते हैं. जो यंग नौजवान है वो भी शेक्सपियर को वापस रिप्लाई करता है और वार्तालाप चलती रहती है. मगर सोनेट 18 में हमको प्रॉपर पता नहीं है कि यहां पर शेक्सपियर किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं या उस हैंडसम नौजवान के बारे में बात कर रहे हैं. अगर उस हैंडसम नौजवान के बारे में बात कर रहे हैं तो इस टाइप की तारीफ एक आदमी आदमी के लिए करे थोड़ा सा ऑड लगता है. बट हमको ये भी देखना होगा कि शेक्सपियरन एरा में ऐसी तारीफ मर्द आपस में एक दूसरे को करते भी थे. जो आज के टाइम में कोई किसी को कहे कि कोई लड़का किसी लड़के को कहे वाह कितने खूबसूरत बात है, तो वो कहेगा वो तो अब यू गेट द पॉइंट. सो यहां पर हमको नहीं पता कि सोनेट 18 शेक्सपियर ने किसके लिए लिखी है, मगर जिसके लिए भी लिखी है तारीफ के लिहाज से एक बहुत ही सुंदर पोयम है, और ऑलमोस्ट दुनिया भर के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने इस पोयम को जरूर पढ़ा होगा. और अब आपकी बारी है, तो शुरुआत करते हैं एनालिसिस. शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, थाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. वाओ, ब्यूटीफुल लाइंस. मगर दी का क्या मतलब है? दी का अर्थ हिंदी में है तुम्हें. शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं? गर्मी के एक दिन से, अब हम लोग इंडियंस हैं, मैं तो दिल्ली से हूं, तो हमारे यहां कोई किसी को कहे कि तुम तो एक गर्मी के दिन जैसे हो, तो उसका मतलब खराब ही होगा कि बहुत गुस्सेन आदमी हो और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो. मगर हमको ये देखना होगा कि विलियम शेक्सपियर दिल्ली के नहीं थे, वो इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड में गर्मी को तरस जाते हैं लोग. ज्यादातर जो मौसम होता है बहुत ठंडा होता है, जब गर्मी के दिन आते हैं तो उनके लिए खुशी के दिन होते हैं, सूर्य देवता के दर्शन होते हैं वहां पे. तो इसलिए जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक समर के डे से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी जो तुलना की जाएगी एक समर के डे से, जो लोगों को खुशी देता है, जो लोगों को जॉय देता है, प्लेजर देता है. ठीक है, तो आगे नीचे लिखते हैं, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. मगर साथ में लिखते हैं कि तुम समर के उस सनी डे से भी ज्यादा लवली हो, जरा प्यारे हो और ज्यादा टेम्परेट हो. अब टेम्परेट का यहां पे मतलब है कि इवनली टेम्पर्ड हो, मतलब कि काफी हद तक बैलेंस्ड हो. और इसका मतलब बेसिकली ये होता है कोई ऐसा आदमी जो अच्छे मूड में रहता हो, जिसके आसपास लोगों को रहना अच्छा लगता हो, जिसकी कंपनी लोग पसंद करते हो, जो बहुत ही जल्दी किसी चीज से इन्फ्लुएंस ना हो जाता हो. ठीक है, तो बेसिकली तारीफ कर रहे हैं उसकी और कह रहे हैं कि जो उनका बिलवर्ड है, शेक्सपियर का जो बिलवर्ड है, वो एक समर के दिन से भी ज्यादा खूबसूरत है. तो अब तक हम देख सकते हैं एक तरीके से एक सीक्रेट प्राइवेट लव लेटर जैसा है ये, जिसमें तारीफें कर रहे हैं शेक्सपियर अपने बिलवर्ड की. और आगे शेक्सपियर लिखते हैं, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट. अब इसका मतलब क्या है? यहां पर अब क्या है कि एक बार जब उन्होंने तुलना करनी शुरू करी एक समर के दिन की अपने बिलवेड, अपने प्रिय के साथ, तो अब वो समर में, समर के मौसम में, समर के सीजन में नुस्क निकालने में लग गए हैं. तो यहां पर लिखते हैं कि जो रफ विंड्स होती हैं गर्मी की, उसको रफ कहेंगे, बड़ी तेज सी होती है, वो काफी बार जो बर्ड्स होते हैं फ्लावर के, जो आपको पता है स्प्रिंग के बाद फ्लावर के जो नए बर्ड्स होते हैं, नए फ्लावर जो ग्रो कर रहे होते हैं, उनको उड़ा के ले जाती है, उनको ग्रो नहीं होने देती. तो एक तरीके से जो नुस्क है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि समर में ये कमी है. और साथ में ये भी लिखते हैं कि समर्स लीस हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट. और यहां पर ये भी लिखा है कि समर का जो काल होता है, जितने टाइम तक समर रहेगी, वो बहुत छोटा होता है. अब आगे ये याद रखना, ये जो पॉइंट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे लिख रहे हैं कि समर तो लीज पे आती है. लीज पे आप कोई चीज लेते हो तो एक ना एक दिन आपको उसको वापस करना होता है.
ठीक है, लीज पे लोग कार लेते हैं, जमीन लेते हैं, वहां पे बिजनेस करते हैं और उसके जो लीज के कुछ पैसे होते हैं वो देते रहते हैं, और फिर एक टाइम आता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब लीज खत्म होती है वो चीज वापस देनी होती है। तो समर एक दिन वापस जाती है, इट इज फेटेड टू एंड, उसका अंत होना ही है, ये लाइन याद रखना। इसी लाइन से आगे जाके जो शेक्सपियर का जो प्रिय है उसकी तुलना करेंगे। अब जब विलियम शेक्सपियर समर सीजन के नुस्ख निकालने में अब शुरू हो गए हैं, उसको निकालना शुरू कर दिया उन्होंने, तो सीधी सी बात है सूर्य की बात तो होगी ही होगी। और सूर्य को यहां पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ द हेवन शाइन्स। आई ऑफ द हेवन यहां पे क्या है, ये है सूर्य देवता। उनको कहा है स्वर्ग की जो आंख होती है कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा ही चमकती है। और आगे यहां पे लिखा हुआ है एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। और जो गोल्ड कम्प्लेक्शन होता है, सूर्य की भी तारीफ की जा रही है यहां पर, मगर ये लिखा है कि कमी है कहीं ना कभी, कभी कुछ ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा ही शाइन कर रहा होता है, और जो गोल्ड कम्प्लेक्शन होता है सूर्य सूर्य का, वो कभी कभी डिम हो जाता है, मतलब कि उसको हम देख नहीं पाते, शायद वो क्लाउड से छुप जाता है या कुछ और कारणों की वजह से वो थोड़ा डिम हो जाता है, जिस तरीके से उसको चमकना चाहिए था उस तरीके से नहीं चमक रहा होता। और आगे विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। यहां पे शेक्सपियर थोड़े और फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, वो कहते हैं ऐसे ही कोई भी जो खूबसूरत चीज हो, इवेंचुअली उसकी खूबसूरती फेड होगी ही होगी, और नेचर ने जो भी उसको गिफ्ट दिया है, जो भी खूबसूरती दी है, वो इवेंचुअली चली ही जाएगी। मगर आगे यहां पर ये जरूर कहेंगे कि जो मेरा बिलवर्ड है, जो मेरा प्रिय है, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, जरा देखते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है यहां पे, बट दाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड। मगर तुम्हारी जो इटर्नल समर है, तुम्हारी मतलब जो उनका प्रिय है, जो दिल के करीब है शेक्सपियर के, उसकी यहां पे बात की जा रही है, नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट। ओस्ट यहां पे जो है ना, ये OWE वाला, ये ओ, ठीक है, ओस्ट, जो तुम ओ करते हो। अब समझाता हूं सारा एक एक करके। सबसे पहली बात तो समर से अपने प्रिय को जरा बेहतरीन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समर एक टाइम पे आगे खत्म होती है, उसका एंड होता है, मगर अपने प्रिय को बताते हैं तुम्हारी समर इटर्नल है और कभी फेड नहीं होगी, कभी तुम्हारी खूबसूरती फेड नहीं होगी। अब कैसे नहीं होगी, अब आप कहोगे कि सर आदमी है, बूढ़ा होगा, रिंकल्स पड़ेगी, बिल्कुल फेड होगी। मगर यहां पे शेक्सपियर भी अब जवाब देंगे, आगे जाके समझाएंगे क्यों नहीं फेड होगी, क्यों उनका जो प्रिय है हमेशा यंग रहेगा। और सेकेंड लाइन में बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट। फेयर मतलब खूबसूरती, ठीक है, पोजेशन मतलब किसी चीज, कोई चीज आपके पास होना, आप पोजेस करते हो, मतलब कोई चीज आपके पास है। तो यहां पर बेसिकली कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसे समर लीज पर आती है, यार आपको समर के बारे में लिखा था कि लीज पर आती है, समर लीज पर आती है, मगर तुम्हारी जो खूबसूरती है वो तुम किसी को ओ नहीं करोगे, मतलब कि वो तुम उसकी जो पोजेशन है वो कभी तुम खोगे नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी ही है, वो लीज पर नहीं है। अब यहां पर इन पंक्तियों में शेक्सपियर बताना शुरू करते हैं कि जो उनका प्रिय है वो सदा अमर क्यों रहेगा या रहेगी। तो यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर, नॉर शेल डेथ ब्रैक दाउ वॉन्डरेस्ट फ्रॉम हिज शेड। कभी मौत भी तुमको अपनी शेड में नहीं लेगी। और आगे नीचे लिखते हैं, वेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोवेस्ट। अब ये जो लाइन्स की बात कर रहे हैं, ये पोयम की पंक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जैसे जैसे लोग मेरी पोयम पढ़ेंगे, बेसिकली तुम मेरी पोयम में जिंदा रहोगे, तुम्हारी जो खूबसूरती है, जो तुम्हारी वंडरफुलनेस है, जो तुम्हारी लवलीनेस है, वो सब कहाँ जिंदा रहेगी, मेरी पोयम में जिंदा रहेगी। और जैसे जैसे मेरी लाइन्स इटर्नल होती जाएगी, तुम भी ग्रो करोगे। और ग्रो मतलब ऐसा नहीं कि बड़े होते जाओगे, मतलब कि तुम्हारी खूबसूरती भी लोगों के जहन में ग्रो करती रहेगी। और फाइनली विलियम शेक्सपियर फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए, फोर्थ वॉल क्या होती है, देखो आप कोई भी मूवी देखते हो, आपको पता है स्टोरी चल रही है, हीरो बात कर रहा है और विलन बात कर रहा है एक दूसरे से, एक स्टोरी आगे चल रही है, आपको पता है सब कुछ स्टेज्ड है। मगर तभी अचानक से हीरो और विलन स्क्रीन की तरफ, आपकी तरफ देखकर कहते हैं, अरे तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, सडनली आपको एड्रेस कर रहे हैं। और सडनली क्या हो गया, जो स्टोरी चल रही थी, जो एक दीवार थी आप दोनों के बीच में, वो टूट जाती है। सो कहते हैं ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। और फाइनली अब तक हमको क्या लग रहा था, अब तक जिस तरीके से हम ये पोयम पढ़ रहे थे, हमको ऐसा लग रहा था ये लव लेटर है, किसी को कॉम्प्लीमेंट से भरा एक लव लेटर भेज रहे हैं विलियम शेक्सपियर। मगर फाइनली वो अचानक से कहते हैं कि ये एक पोयम है, और जो इसको पढ़ रहा है
वो मेरे प्रिय को जिंदा रखेगा। जैसे जैसे लोग इस पोयम को पढ़ेंगे, और यहां तक वो कहते हैं सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद, जब तक इंसान सांस ले पाएगा, जब तक आंखें देख पाएगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये पोयम जिंदा रहेगी। और लिखा हुआ है एंड गिव्स लाइफ टू दी, दी मतलब तुम्हें, और तुम्हें जिंदगी देती रहेगी, तुम्हें मतलब विलियम शेक्सपियर के प्रिय को। तो एक तरीके से सडनली विलियम शेक्सपियर हमें एज रीडर्स, हमको भी एड्रेस कर रहे हैं कि जब तक तुम भी ये ऐसी पोयम पढ़ रहे हो, ये पोयम अमर रहेगी, और ऑफकोर्स जिसकी ब्यूटी समर के दिन से भी ज्यादा खूबसूरत है वो अमर रहेगा। तो ये थी सोनेट 18। ऐसी और पोएम्स का आप एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या जहां भी। एंड गुड लक विद योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल।